हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इग्नू के स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करने हैं एंड क्या लिखना है ईमेल में। सो आप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो ही बना दूँ। कोरोना वायरस की वजह से हमारे सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं एंड पहले हम असाइनमेंट्स की हार्ड कॉपी सबमिट करते थे अपने अपने रीजनल सेंटर्स में, बट अब हमें सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी है ताकि आप सभी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट हो जाए उन लोगों के पास। असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मई हो चुकी है, सो नाउ यू कैन मेक योर असाइनमेंट्स इजीली। जो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वी अपलोड इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड आपको अगर हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। You'll get the notification जैसे ही हम चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। सो सबसे पहली बात यह है कि हम सभी अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते, एज कुछ रीजनल सेंटर्स ही ऐसे हैं जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। अब ये चेक कैसे करना है कि कौन सा रीजनल सेंटर असाइनमेंट ले रहा है, ये चेक कर सकते हो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.ignu.ac.in। और अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइडेड है। इग्नू के होम पेज पर आपको दिखेगा रीजनल नेटवर्क, आपको उसके ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है रीजनल सेंटर। देन आप लेफ्ट साइड पर देखोगे तो ऑप्शन आ रहा है रीजनल सेंटर्स वेबसाइट्स, आपको उसको क्लिक करना है। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से रीजनल सेंटर असाइनमेंट्स ले रहे हैं। लेट से हम चेक करने के लिए देख लेते हैं रैंडमली हैदराबाद रीजनल सेंटर। यहाँ हम नीचे देखेंगे अनाउंसमेंट्स में लिखा आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स इज 31 मई 2020। दैट मीन्स यहाँ ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं। अब एक और रैंडम चेक कर लेते हैं, हम खोलते हैं नोएडा। अब नोएडा वाले रीजनल सेंटर में हमारे न्यूज एंड इवेंट्स में भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ना ही न्यूज एंड इवेंट्स में एंड ना ही अनाउंसमेंट्स में। तो ये रीजनल सेंटर हमारा ऑनलाइन असाइनमेंट्स नहीं ले रहा है। अब जैसे मेरा है दिल्ली वन, मैंने उसको खोला तो वहां एक्सेप्ट करे जा रहे हैं ऑनलाइन असाइनमेंट्स। अब हम देख लेते हैं एक बार कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें क्या गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको हमें फॉलो करना है। मैं आपको दिल्ली वन की गाइडलाइंस बता रही हूँ जो पीडीएफ उनकी साइट पे अपलोड करी गई थी। गाइडलाइंस सब सेंटर्स की सेम रहेंगी, बस मेल आईडी चेंज हो जाएगी हर सेंटर की जिसपे हमें अपने असाइनमेंट्स मेल करने हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ हमें ईमेल आईडी दी गई है assignmentsrcdelhi1@ignu.ac.in, तो हमें इस पर अपने असाइनमेंट सेंड करने हैं। इसको सेंड करने का भी एक फॉर्मेट है, आप पहले अपना कोर्स कोड लिखोगे डॉट स्टडी सेंटर कोड लिखोगे कॉमा एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड डॉट स्टडी सेंटर कॉमा एनरोलमेंट नंबर, ये फॉर्मेट है जिससे आपको अपना फाइल नेम रखना है। हमें हर पेज स्कैन करना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करके असाइनमेंट सेंड करना है। आप कैम स्कैनर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंड उससे स्कैन करना काफी आसान है, आप एक एक पेज स्कैन करके आईडी पर अपलोड कर देना। किसी को डाउट हो तो यू कैन मेल अस एट nerdsliterary@gmail.com, वी विल हेल्प यू आउट। इस ऐप से ये फायदा होगा कि आप इजीली अपलोड कर लोगे एंड बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा स्कैन कराने के लिए, एंड अगर आपके पास स्कैनर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। स्कैन करने से पहले हर पेज पर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर याद से लिख लेना ताकि कोई पेज अगर आगे पीछे डाउनलोड हो जाएगा तो उनको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा आपका पेज है, एंड नंबरिंग भी कर देना पेजेस पर। और हाँ, ऐसा मत करना कि आप अपनी स्कैन कॉपीज बेचकर अपना असाइनमेंट फेंक दो, उसको भी संभाल कर रखना क्योंकि आपसे बाद में वो मंगाया जा सकता है। जब आप ईमेल भेजोगे तो उसमें ये डिटेल जरूर इंक्लूड करना, नेम ऑफ द लर्नर, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड ऑफ अटैच्ड असाइनमेंट, मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी। और ये सब डालना बहुत जरूरी है ताकि रीजनल सेंटर पर आपका असाइनमेंट डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। ये सारी इंफॉर्मेशन पीडीएफ के फर्स्ट पेज पर होनी चाहिए।
एंड ये गाइडलाइन भी है कि एक कोर्स के लिए सारे असाइनमेंट्स एक ही पीडीएफ में होने चाहिए, यानी अगर 10 क्वेश्चंस हैं एक पेपर में तो 10 सेपरेट पीडीएफ फाइल्स नहीं होनी चाहिए, वो सब एक ही पीडीएफ में स्कैन होना चाहिए ताकि रीजनल सेंटर पर डाउनलोड होने में दिक्कत ना हो। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आ रहा है कि हम असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस कहाँ से लें। जब हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे www.ignu.ac.in, वहाँ होम पेज पर अलर्ट्स में जाकर एक ऑप्शन आएगा लिंक फॉर असाइनमेंट्स न्यू, ब्लू कलर में आ रहा होगा। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक फॉर असाइनमेंट्स का पेज खुलेगा। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लिंक फॉर मेन सर्वर ऑफ असाइनमेंट्स, क्लिक हियर। हमें उस पर क्लिक करना है तो हमारे सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, जिस भी कोर्स का असाइनमेंट चाहिए हमें उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जहां हमने लिंक पर क्लिक करा है वहां नीचे एक टेबल बनी आ रही है, इस टेबल में वो सारे कोर्सेज हैं जो लिंक में गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर भी अपना कोर्स चेक कर सकते हो एक बार। बस ऐसे ही हम अपने असाइनमेंट्स देख सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि जो जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे उन सबको इस वीडियो में कवर अप कर दूं। आगे आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारी इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है literarynerds_, एंड आप हमें मेल भी कर सकते हैं nerdsliterary@gmail.com पर। वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ने में या असाइनमेंट्स बनाने के लिए। सो लेट्स यूज दिस लॉकडाउन इन अ प्रोडक्टिव वे। आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।